ये देखिए दोस्तों, मसाला डोसा हमारा क्रिस्पी और परफेक्ट बना है। हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। मसाला डोसा बनाने के लिए हम लेंगे 3 कप चावल। आप कोई भी गिलास, कटोरी या कप सेट कर ले, उससे हम 3 कप चावल डालेंगे। रेगुलर चावल या अरवा चावल का यूज़ किया है। और 1 कप उड़द की दाल लेंगे। यहाँ मैंने गोटा उड़द का दाल लिया है, आपके पास जो अवेलेबल है आप वो लें। और इसमें 2 बड़े चम्मच चने की दाल डालेंगे। चने की दाल डालने से डोसा में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें 1 चम्मच मेथी दाना डालेंगे। और अब इन सभी को पानी डालकर हम 2 से 3 बार अच्छे से हाथ से मिलाते हुए वॉश कर लेंगे, जिससे चावल पे और दाल पे लगे डस्ट, धूल सारा अच्छा से पानी में धुल जाएगा। ये देखिए, यहाँ मैंने चावल को अच्छे से वॉश कर लिया है। और अब हम इसे पानी डालकर 3 से 4 घंटे के लिए ढक कर पानी में फूलने देंगे या भिगो देंगे, जिससे दाल और चावल हमारे फूल के डबल हो जाएंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। दाल और चावल को भिगोए 5 घंटे हो गए हैं। और ये देखिए, दाल और चावल हमारे अच्छे से पानी में फूल के डबल हो गए हैं। दाल और चावल को पीस लेंगे। यहाँ मैंने दाल और चावल को पीसने के लिए एक ग्राइंडिंग जार लेंगे। और ग्राइंडिंग जार में दाल और चावल को डाल करके हम इसे बारीक या महीन पीस लेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जिससे बैटर हमारा बहुत ही महीन और अच्छे से पीसेगा। दाल और चावल को यहाँ मैंने महीन पीस लिया है। और अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब हम सेम तरीके से बाकी बचे हुए दाल को भी महीन पीस लेंगे और बर्तन में निकाल लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने सारे दाल को पीस करके बर्तन में निकाल लिया है। और अब हम इसे चम्मच से अच्छी तरह से मिला लेंगे। बैटर को ढककर 7 से 8 घंटे के लिए फर्मेंट होने देंगे या ओवरनाइट फर्मेंट के लिए रखेंगे। बैटर को हमने ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए रख दिया था। और ये देखिए, बैटर हमारा अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालकर बैटर को हम अच्छी तरह मिला लेंगे। और ये देखिए, बैटर हमारा काफ़ी गाढ़ा और थिक हो गया है। और इस टाइम पे हम इसमें 1/2 ग्लास पानी डालेंगे। और पानी डाल करके हम इसे मिला लेंगे और 1/2 घंटे के लिए अच्छी तरह से सेट होने के लिए रखेंगे। बैटर हमारा सेट हो रहा है, तब तक हम डोसा के लिए चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए हम एक पैन लेंगे और पैन को गर्म होने देंगे। पैन में 1/2 कप चने की दाल डालेंगे और 1/2 कप मूंगफली डालेंगे। और इसमें तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और अब हम एक लाल मिर्च लेंगे और एक हरी मिर्च लेंगे और 5 से 6 लहसुन की कलियां डालेंगे। मूंगफली और चने दाल को अच्छे से रोस्ट करने के लिए हम इसमें 1/2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालकर हम सभी इंग्रेडिएंट को मिलाते हुए मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए दाल और मूंगफली में सुनहरा कलर आने तक या कच्चापन इसका ख़त्म होने तक हम दाल और मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, जिससे चटनी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। चने की दाल और मूंगफली को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है। और ये देखिए, चने की दाल हमारी अच्छे से भून गई है और इसमें से अच्छा खुशबू भी आ रहा है। इस टाइम पर हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसे ठंडा होने देंगे। और ये देखिए, ठंडा हो गया। और अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब दाल और मूंगफली में पानी डालकर हम इसे 10 मिनट के लिए सॉफ्ट होने के लिए रखेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, दाल और मूंगफली हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, दाल और मूंगफली डालेंगे और इसमें 1 टुकड़ा अदरक का डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। चटनी में चटपटा फ्लेवर के लिए हम इसमें 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे। आप इसकी जगह इमली का पल्प या नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे ढक्कन लगाकर पीस लेंगे। चटनी में पानी डालकर यहाँ मैंने पीस लिया है। और अब हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे या निकाल लेंगे। और चलिए, अब हम चटनी में तड़का लगाएंगे। चटनी में तड़का लगाने के लिए हम एक तड़का पैन लेंगे और इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे।
तेल डालकर हम इसे गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया, हम इसमें आधा चम्मच सरसों के दाने डालेंगे और इसमें दो सूखी लाल मिर्च डालेंगे। मिर्च और सरसों को अच्छे से चटकने देंगे और अब हम इसमें एक चुटकी हींग डालेंगे। हींग डालने से चटनी में बहुत ही अच्छा हींग का फ्लेवर आता है। और अब हम इसमें 6 से 7 कड़ी पत्ते ऐड करेंगे और तड़का हमारा तैयार हो गया है। और अब हम इसे चटनी पे डालेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने इसे चटनी पे डाल दिया है और चटनी पे डालकर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। डोसा के लिए चटनी हमारा तैयार हो गया है और अब हम डोसा के लिए मसाला बना लेंगे। मसाला बनाने के लिए सेम पैन में हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है और अब हम इसमें 1/2 चम्मच सरसों के दाने डालेंगे और अब हम इसमें 1 चम्मच चने की दाल डालेंगे। चने दाल और सरसों को मिलाते हुए 20 सेकंड के लिए हम मीडियम फ्लेम पे इसे रोस्ट कर लेंगे या पका लेंगे। और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ 2 प्याज डालेंगे। यहाँ मैंने मसाले के लिए 2 प्याज को अच्छे से बारीक काट लिया था। और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे और बारीक कटा हुआ 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे। सभी इंग्रेडिएंट को मिलाते हुए 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भून लेंगे। और अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। डोसा का मसाले में अच्छा सा फ्लेवर आने के लिए हम इसमें 5 से 6 कड़ी पत्ता डालेंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और सभी इंग्रेडिएंट को मिलाते हुए 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। मसालों को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है और प्याज हमारे अच्छे से भून गए हैं। और अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 7 से 8 आलू को कुकर में सीटी लगाकर उबाल लिया था और इसे छीलकर अच्छे से मैश कर लिया है। और अब हम मसाले में थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालकर हम मसाले को अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। आलू में पानी डालकर मसाले को अच्छे से भूनने से मसाले हमारे जलेंगे नहीं और आलू हमारे अच्छे से भून के तैयार होंगे। मसाले को चलाते हुए 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए, मसाले हमारे अच्छे से भून गए हैं। और अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने से मसाले में चटपटा फ्लेवर आता है। ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप इसमें ऐड करें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। नींबू का रस डालकर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। मसाला हमारा तैयार हो गया है और अब हम डोसा बना लेते हैं। डोसा बनाने के लिए यहाँ मैंने डोसा तवा को गर्म होने के लिए रख दिया है और हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालकर हम इसे डोसा तवा को अच्छे से मिलाते हुए ग्रीस कर लेंगे। तवा हमारा ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस हो गया है और अब हम इसे टिश्यू पेपर से अच्छे से क्लीन कर लेंगे, जिससे डोसा हमारा अच्छा और परफेक्ट बन के तैयार होगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने डोसा तवा को अच्छे से क्लीन कर लिया है। और अब हम बैटर लेंगे। बैटर को पहले अच्छी तरह से मिला लेंगे और अब हम इसे डोसा तवा पर सेंटर में डालकर बैटर को सर्कल वाइज या इस तरह गोल घुमाते हुए हम अच्छी तरह से बैटर को फैला लेंगे, जिससे डोसा हमारा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। और ये देखिए, यहाँ मैंने बैटर को अच्छे से फैला लिया है। और अब हम डोसे के ऊपर 1 चम्मच तेल डालेंगे। तेल डालकर हम डोसे पे तेल को अच्छे से फैला लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। इससे डोसा हमारा क्रिस्पी और परफेक्ट बनेगा। और अब हम डोसे के ऊपर मसाला डालेंगे। मसाला डालकर हम इसे इस तरह स्पैचुला से फैला लेंगे और डोसा को पकने देंगे। और ये देखिए, डोसा हमारा अच्छे से पक गया है और ये साइड भी छोड़ दिया है। और अब हम इसे इस तरह ट्रायंगल शेप में या त्रिकोण शेप में फोल्ड कर लेंगे। डोसे को मैंने होटल स्टाइल ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से डोसे को प्लेट में निकाल लेंगे और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। और ये देखिए, यहाँ मैंने डोसे को चटनी के साथ सर्व किया है। मसाला डोसा का फ्लेवर चटनी के साथ बहुत अच्छा और टेस्टी लगेगा। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर बनाएं।
आप चाहे तो इसके साथ सांभर भी सर्व कर सकते हैं। कम मेहनत में और कम सब्जियों पे सांभर कैसे बनाए इसका वीडियो मैंने डाल रखा है, आप चाहे तो वहाँ से मेरी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।